मार्स यानी मंगल गंजा हो रहा है। यप, ये तो हमें पता था कि एटमॉस्फेयर उसका लूज हो रहा है, पर मंगलयान उसके अमेरिकी दोस्त के साथ कुछ कंसर्निंग ढूंढा, ये कि जब भी डस्ट स्टॉर्म होता है तो इसका जो लॉस एटमॉस्फेयर का वो एक्सेलरेट हो जाता है। पर क्या किया उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कैसे किया, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दो चीजों का बेसलाइन हमें करना होगा आपके साथ, वो है एक एटमॉस्फेयर और वो है ऑर्बिट्स। देखो मार्स के एटमॉस्फेयर को जैसे धरती की तरह हम तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रोपोस्फीयर 0 to 40 किलोमीटर, इसमें वेदर वगैरह होता है, मेसोस्फीयर 40 to 100, और जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वीडियो में वो है थर्मोस्फीयर, जो 100 से 220 240 जो भी है वहां तक चले जाता है। इसमें आपको एटमॉस्फेयर में आपको न्यूट्रल एटम्स जैसे CO2 आर्गन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसके बाद एक्सोस्फीयर है, बट एक्सोस्फीयर स्फीयर नहीं है, मतलब वहां से सब एस्केप होता है, राइट। ऑर्बिट्स पे आते हैं, मंगलयान का ऑर्बिट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये सर्कुलर नहीं है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि एक साइड बहुत लंबा है, एक साइड बहुत छोटा है। सबसे लंबे साइड को कहते हैं एपोप्सिस, मंगलयान के केस में 70,000 किलोमीटर है ऑलमोस्ट इस एक्सपेरिमेंट के टाइम था। इसके कारण ये कूल चीज कर सकता है, वो है फुल डिस्क इमेजेस ले सकता है मार्स के, यानी पूरे प्लेनेट के दूर से। और ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे कितने खूबसूरत इमेजेस है ये। मैंने इसे थोड़ा शार्प किया है क्योंकि ये लो रेज है बहुत इमेजेस, और थोड़ा अपस्केल। अब एक साइड हुआ 70,000 किलोमीटर, दूसरा साइड बहुत कम है, इसे कहते हैं पेरिऑप्सिस, सबसे छोटा साइड को। ये है करीब इस एक्सपेरिमेंट के टाइम था 160 किलोमीटर। इसके वजह से हम बहुत अप क्लोज जैसे क्रेटर्स वगैरह के इमेजेस ले सकते हैं। तो ये ऐसा ऑर्बिट है कि आप पूरा मार्स इमेज कर सकते हो, और जब आप क्लोज जाओ तो किसी स्पेसिफिक फीचर को इमेज कर सकते हो। अभी एक चीज बता दूं, 160 किलोमीटर यूजुअल नहीं है मंगलयान का, यूजुअली ये 400 टू 600 किलोमीटर के पास आसपास होता है। अभी इस केस में 160 कैसे गया वो श्योर नहीं है, क्योंकि इसरो ने कुछ कंफर्म नहीं किया ऑफिशियल, शायद इंजन फायर करके लोअर किया होगा ऑर्बिट, नॉट श्योर। ये जो लंबा ऑर्बिट है, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को मंगलयान ऑलमोस्ट लेता है 66 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 दिन। इस वैल्यू को हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म है ऑर्बिटल पीरियड, यानी इसका ऑर्बिटल पीरियड है 66 आवर्स। इसका जो अमेरिकी दोस्त है जिसके साथ ये हुआ वो था मेवन, यानी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, आपको याद होगा दोनों साथ में ही लॉन्च हुए थे उस टाइम। इसका जो ऑर्बिट है वो है 160/6000 किलोमीटर। अब इसका ऑर्बिट छोटे होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो बहुत कम है, 4.5 आवर्स ही है, तो बहुत सारे ऑर्बिट्स लेता है वो बहुत कम टाइम में। अब 2018 पे आते हैं, ये बात है जून 2018 की। ये टाइम इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि तब हुआ एक प्लैनेट एंड सर्कलिंग डस्ट इवेंट, यानी पीड, यानी एक ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म, पूरा मार्स डस्ट से भर गया। यहाँ आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज नासा के मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर यानी MRO ने लिया है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि GS तुमने इतनी तारीफ की थी 70,000 किलोमीटर व्हाट नॉट डिस्क इमेज वगैरह वगैरह, कहाँ है तुम नासा की इमेज क्यों दिखा रहे हो? सवाल अच्छा है और दिखाता है कि आप सुन रहे थे। वेल, प्रॉब्लम ये है कि मैं जब ब्राउज कर रहा था डेटा मंगलयान का, मैंने इस पे वीडियो बनाया आप कैसे देख सकते हो मंगलयान का डेटा वगैरह, इमेजेस कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तभी जब मैंने MCC टाइप किया, MCC मतलब मार्स कलर कैमरा, ये जो अपना कैमरा है मंगलयान के ऊपर, और मैंने सॉर्ट बाय डेट किया, तो ये डस्ट इवेंट के जस्ट पहले जून में ही मेजर इमेजेस है, उसके बाद जुलाई में ये बस ब्राउन दिख रहा है और दूर से कुछ भी नहीं है, और जुलाई 2018 के बाद कुछ भी इमेजेस नहीं है। अब ये काफी सस है इसलिए क्योंकि 2020 ने इसरो वालों ने ये जो फोबोस जो मून है मंगल का उसके इमेजेस लिए थे, तो डेटा अपलोड नहीं हुआ या उन्हें कुछ प्रॉब्लम आया नहीं पता। देखो मंगलयान अगर आप स्केल पे डालो तो वो मोस्टली ऑन द टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेटर साइड लीन करता है, ना कि एक प्योर साइंस मिशन, ऑल्दो वो साइंस कर चुका है काफी इंटरेस्टिंग साइंस। तो उन्हें काफी इश्यूज आए होंगे, मे बी MCC को कुछ हुआ होगा इस टाइम में, या जस्ट उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मैं अपलोड नहीं करूंगा इमेजेस, क्या पता। और इनकेस आपको नहीं पता, मंगलयान इज नो मोर, जस्ट इनकेस आप सोच रहे हो। ये अनाउंस हुआ था नेशनल मार्स मीट जो लास्ट ईयर हुआ था, जब 8 साल कंप्लीट हुआ, और गेस व्हाट, उसी प्रेजेंटेशंस में भी नासा वालों का इमेज इस्तेमाल हुआ डस्ट स्टॉर्म दिखाने के लिए। तो हाँ यार, अब क्या करें। एनीवे साइंस पे आते हैं, तो क्या हुआ 2018 में मॉम और मेवन इनकी ऑर्बिटल ज्योमेट्री बहुत खूबसूरत थी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। कंबाइंड ऑर्बिट व्यू में आप देख सकते हो, जब मेवन दूसरे साइड होता है वो ऑर्बिट ऐसा है कि मंगलयान और मेवन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मंगलयान जो है वो सनसेट साइड यानी डस्क साइड पे है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है, जो भी मतलब है स्पेसक्राफ्ट वगैरह, उसको सनसेट दिखेगा। और मेवन का अगर आप देखो तो वो डॉन साइड यानी सनराइज साइड के ऊपर है। और जैसे मैंने
ने कहा दोनों ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर के आसपास है, तो इसके वजह से काफी अच्छा चांस मिला उन्हें दोनों साइड डॉन और डस्ट साइड का कंपेयर करने का डेटा। बट क्या डेटा कर रहा हूँ, वॉट डेटा? देखो, प्लैनेट एटमॉस्फेयर लॉस ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले समझना होगा। हमें एक तरीका है, वो है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मेजर करके। अब मुझे श्योर है आप सबको पता होगा डेंसिटी क्या है, मतलब कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एक बॉक्स में 10 है, दूसरे में 5, तो 10 वाला ज्यादा डेंस है, राइट? तो किसी भी एटमॉस्फेयर, किसी भी प्लैनेट जिसमें एटमॉस्फेयर है, अगर आप देखो तो वो स्लोली जीरो हो जाता है। ऐसे नहीं है कि 100 किलोमीटर पे एटमॉस्फेयर रह जाएगा और फिर अचानक जीरो। ग्रेडियंट है, राइट? वो स्लोली गायब होता है। तो इमेजिन करो आपका स्पेसक्राफ्ट 150 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है और सडनली आपका स्पेसक्राफ्ट नोटिस करता है कि डबल हो गया डेंसिटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर एक्सपांड हुआ है, बड़ा हो गया है। और जब आपका एटमॉस्फेयर एक्सपांड होगा तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ऊपर से उसके लॉसेस होने के। जैसे वो ऊपर बढ़ता है, सन के जो पार्टिकल्स वगैरह है उसको लेके जाएंगे सोलर विंड वगैरह। पर आप मेजर कैसे करोगे डेंसिटीज के? इसमें मंगलयान के ऊपर एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका नाम है मेनका, यानी मास एग्जोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये एक ऐसा मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो न्यूट्रल एटम्स जैसे आर्गन वगैरह को मेजर कर सकता है, उनका काउंट, उनका प्रेशर, उनकी डेंसिटी वगैरह। मेनका कुछ ऐसे दिखता है। अगर आप स्पेस फ्लाइट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये इसका जो हेरिटेज है वो चंद्रयान 1 की चेस से आता है। सिमिलर दिखते हैं वो, चंद्रयान 2 के ऊपर भी चेस 2 फॉलो किया गया है, सिमिलर हेरिटेज है सबका। तो हाँ, मेरे को फ्यूचर में कभी चेस पे बनाना है वीडियो तो तभी हम डीप इन डेप्थ जाएंगे इस मास स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में। सिमिलरली मेवन जो है उसके ऊपर है NGIMS यानी न्यूट्रल गैस एंड आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो भी है। तो इसरो ने क्या किया, दोनों के आर्गन मेजरमेंट्स लिए, ठीक है, वो जो ब्यूटीफुल ओवरलैपिंग ऑर्बिट था उसको लेके, और ये रिजल्ट्स निकले। अब आप बोलोगे GSA क्या, इतने सारे आप ऐसे ग्राफ्स नहीं दे सकते हमें। आई नो, एक ग्राफ को लेते हैं, 5 जून वाले को लेते हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज क्लियर कर दूं, जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आपको बस वो मेनका है और बाकी सब मेवन है। वो क्यों आप सोचिए, तब तक मैं दूसरा एक्सप्लेन करता हूं। लेफ्ट में जो वाई एक्सिस है वो है ऑल्टीट्यूड किलोमीटर्स में, 160-180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऑर्बिट्स के हिसाब से। नीचे जो है वो है डेंसिटीज। अब मैंने बोला मेनका का एक ही ऑर्बिट है और इनकी इतने सारे मेजरमेंट्स क्यों? सिंपल, आपको पता होगा मैंने ऑर्बिटल पीरियड एक्सप्लेन किया था, मेनका एक ही ऑर्बिट लेता है 66 आवर्स में, पर मेवन इतने सारे ऑर्बिट्स ले लेता है तो उसके काफी सारे मेजरमेंट्स हैं। ये सब ग्राफ्स में अगर आप देखो तो आप देखोगे राइट में है मेनका का, राइट में, मतलब वो ज्यादा डेंसिटी मेजर कर रहा है सनसेट साइड पे। अगर आप सब डेज के देखो, 5 जून, 13 जून और बाकी सब, तो आपको देखोगे कि मेनका कंसिस्टेंटली ज्यादा डेंसिटी मेजर कर रहे हैं आर्गन की। और अगर आप ये नॉर्मलाइज चार्ट देखो तो आपको दिखेगा कि हर दिन उस टाइम मेनका को सनसेट साइड पे ज्यादा डेंसिटी मिली। इससे इसरो ने कंक्लूड किया कि जो डेंसिटीज थी वो करीब 2-3 टाइम्स हायर थी डस्क साइड पे यानी सनसेट साइड पे कंपेयर टू मेवन जो सनराइज साइड है उससे। तो इससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि डस्ट स्टॉर्म्स के टाइम बड़ा हो जाता है, डेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर और उसकी लॉस बढ़ जाती है। अब ऑब्वियसली इसमें और भी कंडीशंस है पेपर में, और भी नुआंस है, जैसे आपका सोलर लॉन्गिट्यूड और फिर आपका जो सोलर जीनत एंगल है कैसे सन हिट कर रहा है, वो सबको कैलकुलेट करके एनुअल मींस लेके वो सब भी है, आप पेपर पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो बस यही था ज्ञान की गरी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है वेस्ट करने के लिए और आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो, या तो अगर आपको UPI चाहिए, कम कन्वीनियंस चाहिए, ज्यादा कन्वीनियंस चाहिए तो बाय मी अ कॉफी का लिंक है, पर वहाँ मेंबर ऑप्शन चूज करना, वहाँ ज्यादा पर्क्स है, वो बाय मी अ बुक में ज्यादा नहीं मिलता कुछ। तो हाँ, स्पेशल थैंक्स टू शिखर, मनो अरन, कार्तिकिया देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशान कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, कृष्ण नायर, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़ और विवेक सिंह।